बोला ही खड़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू द सेकंड वीडियो, द बिगेस्ट गोट्स ऑफ उत्तर प्रदेश दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये सेकंड वीडियो देख रहे हो, बड़े से बड़े बकरे माशाल्लाह। ये एक साल की तैयारी है आपकी? हाँ, एक साल की तैयारी है। ये बकरे क्या वजन पे आए थे आपके पास? ये मेरे पास ऐसे आए थे 65-70 किलो का, और ये आज 120-130 किलो पे माशाल्लाह। 40 भी है, वो है बकरा 40 के भी ऊपर बैठा है इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं, पहले गुलफाम भाई के बकरे से स्टार्ट करते हैं। अपने अपनी जगह पे रुके, आप लोग हम लोग आएंगे वहाँ पर। क्या डिटेल पे हो गया बकरा? ये बकरा 40 के अंदर रहेगा, 40 के ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। 145 केजी का आईडिया है, जाएगा माशाल्लाह। ये भरे हुए बकरे हैं ना, ये दाना खाए भरे हुए बकरे हैं इनका। 70 केजी पे था, लेकिन इनकी भराई नहीं होती है। हाँ, मतलब इनको नॉर्मल फीड देते हैं, नॉर्मल फीड देते हैं, जितना अनाज खाते खाते बाकी आप मुंह में डालते हैं, मुंह में डाल देते हैं, है ना। तो मतलब ये सिर्फ भराई के बकरे नहीं है। हाँ, ये आप सेमी भराई बोल सकते हैं। सब मुंह से खाते हैं, ये सब चारा पारा सब मुंह से खाते हैं। क्या डिटेल पे ये बच्चा? 150 किलो नहीं बैठेगा, प्लस रहेगी। वेट मशीन तोल लेते, मैं तो इतना अंदाजा नहीं ले सकता। हमने भी तोले नहीं ना अभी तक, तोलते तो इंशाल्लाह उम्मीद से ज्यादा निकलते हैं इंशाल्लाह। एक बार तोलेंगे अगर रहेगा तो। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, अपन एक विंडो ब्रैकेट देना जरूरी है। लोगों को है ना ज्यादा मिले, मतलब वहाँ जाके ज्यादा मिले तो मजा आना चाहिए। हाँ सही बात, लाओ एक एक करके। अगर कोई लेगा तो भाई कांटा, हाँ कांटा करके देंगे जो होगा उस हिसाब से। ये क्या डिटेल पे होगा? ये घर का बच्चा हुआ क्या? हाँ घर का बच्चा है ना, ये उसी का बच्चा है जो ब्रीडर उसका। अच्छा माशाल्लाह, ब्रीडर दिखाया उसी का बच्चा है। सही, चलिए भाईजान आइए। अरे वाह, ये तो हैवीएस्ट लग रहा है मेरे को। ये भी उसका भाई है, ये भी भाई है उसका। इसको लो भाई, इसको लो, इसको लो, इसको लो। अरे वन दिलशाद भाई 50 तो हो गए। हाँ अच्छा इंशाल्लाह, ऊपर ही है। आसिम भाई बहुत ही उम्दा, बहुत नायाब चीज, मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। लाइए भाईजान, चलो ले चलो। ये देखो एकदम नटिया दिख रहा है माशाल्लाह, मेवाती में बहुत गोल बच्चा है। सीना जमीन पे आ जाएगा थोड़ी दिन में माशाल्लाह। आइए भाई साहब आइए, और जो जो फ्री हो गया बकरे दिखा के, वो नए बकरे ले लो, नए बकरे लेके आओ। बताओ भाई दिखाओ, एक मिनट ये बकरा नहीं देखा मैंने, ये दिखा दो, दिखाओ। ये तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बकरा। चलो आपने इतनी नस्ल पाले, सबसे अच्छी कौन सी नस्ल बनती है? सबसे अच्छी तो ये भी बनती है, सोजत भी है, पंजाबी भी है जी। भाई के पास तो हर बकरा है, हर बकरा सबका रेट भाई, ये चीज फास्ट चली। हाँ सबका रेट हमने दिया, लेस मारी जबरदस्त। चलो एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट, हम लोग बहुत देर से भाई लोग खड़े, इन लोगों को फ्री करते हैं, फ्री कर दो। आइए इधर आइए, आजी आजी। हाँ भाजी असगर भाई, सॉरी इतनी देर वेटिंग हो गई आपकी, एक से एक बकरे आते जा रहे थे। वो अभी उनको बोलते बरबरा लाते थे, वाह बकरे भी देखेंगे माशाल्लाह। होएगा भाई 140 किलो 50 किलो है, क्या बनावा बकरा, मान गए बहुत छुपे हुए जेवल निकले आप। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, छुपा हीरा बोलते हैं ना वो निकले आप, अल्लाह की शान माशाल्लाह। क्या शाइनिंग, इस पे हाथ फेरो जरा एक बार ऐसा, ये हुई ना बात, एकदम चिकना है जान दो। मुस्तकीम भाई आ चुके हमारे, मुस्तकीम भाई आप ही बताइए ना इसके बारे में, बेहतर लगे। और इसकी हाइट 42 तक होगी, 42। क्वालिटी कैसी लगी आपको? माशाल्लाह 135 के जी माशाल्लाह। आपको आपको पसंद आ रहे हैं ना बकरे माशाल्लाह, मजा आ रही है। लाओ बेटा उस्मान, आप आ जाओ। अभी हमारे उस्मान भाई शोलापुर से खास आए। हाँ माशाल्लाह, कैसे लगे आपको बकरे? क्वालिटी कैसी है बकरों की? एक नंबर है, और इनके बकरे भी नंबर वाले। ये इन्होंने 50-60 किलो पे लाए थे उस्मान भाई, और आज ये बकरे 130-135। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए हमारे साथ, जजाकल्ला। लाओ भाई अभी इनको हटाओ जो हो गए, नए बकरे लाओ, सोजत क्वालिटी में माशाल्लाह। कलर पैटर्न देखो आप बकरे का, उम्दा पैटर्न का। लाओ टाइगर कोटा, कोटा है ना भाई? कोटा कोटा कोटा, ये कोटा। कोटा मतलब आपने मंगाया कोटा से? मंगाया था, शौक में मंगाया, शौक में मंगाया था। इसका रिजल्ट देखने के लिए, कैसा बनता? नहीं अच्छा ही बना है माशाल्लाह। सही है भाई, लेके चलो आगे। लेंथ बहुत बड़ी आई ना उसकी। ये अजमेरा में माशाल्लाह, अजमेरा खजूरी कान में रेयर क्वालिटी का बकरा है। सीना देखो ना, हाथ मारो सीने पे, वाह माशाल्लाह, काफी उम्दा सीने का बच्चा।
जाओ आगे। ये आप देखिए, आप पंजाब क्वालिटी का एक बकरा है, डबल शेड, नागरा कलर बोलेंगे क्या इसको? नागरा कलर। अच्छा भाई कहाँ गए? नागरा कलर का, नागरा कलर। चलो अभी है ना, मैं एक बकरा और दिखाता हूँ मेवाती, फिर हम बरबरे का गैंग दिखाएंगे, ठीक है? जान दो चाहते इसको। दोस्तों क्वालिटी देखो, इन्होंने काफी सारे बरबरे प्रिपेयर किए, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक दिस इज माय फेवरेट। वाह, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि मुझे ब्रीड काफी पसंद है। नहीं, थोड़ा दाना डालते, बाकी बेचारा मुझसे खाता होगा। ये सब खुद से खाता है, खाते है। भाई जो लेफ्ट ओवर रहता है दाना, वो लोग फिर उनके डाल देते हैं, ताकि इसका रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर डाइट खावे हो। बाज मरतबा मूड अच्छा नहीं अपना नहीं होता इंसान का, कभी आधी रोटी खाते कभी पाव। कंसिस्टेंट डाइट है कि तो ऐसी कटिंग आएगी। तो आधा किलो खाया खा ले बेटा, बाकी का हम लोग तेको डाल देते। तो ये प्रोसेस है, अलग टाइप की भराई देखने में आ रही है यहाँ पर। कैसा लगा आपको? है ना, मतलब अल्लाह इसको नजर बचा, मतलब ये ट्रिप सक्सेस हो गई ये दिल्ली की। तो ये सिंगल दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। इसको आप ले जाओ और अब बाकी के बरबरे दिखा देता हूँ। ये क्या बहुत घरों में पलते हैं, तो इनसे जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं होती, इनको प्यार मोहब्बत सही में देखेंगे ना। ऐसे ही बकरे बाजी बकरा अपने पास अपने आप ही खड़ा हो जाते हैं, प्यार अपना भी। देखो आप एकदम उम्दा, लाओ भाई आप लाओ, कान देखो इसके कान, ला जाओ आप। मुस्तकीम भाई बहुत खुश हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं माशाल्लाह। ये अगर वो पहले बकरे के जैसा बन जाता ना, ये भी लग रहा है भाई हनुमानगढ़ से आया। हाँ वही वही, कान देखो कान, ये भी चलो, ये भी और ये देखो कितना बड़ा बकरा है माशाल्लाह। उस्मान भाई बैठो, बैठ जाओ, बैठो, इसको ऐसा ले। हाँ ये क्वालिटी देखो आप, वो भी खुद से खा के बना। सीना बताओ उस्मान भाई, ये ना कान गर्दन देखो उसका, झालर माशाल्लाह, क्या बात। छोड़ दो मुस्तकीम भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मतलब यहाँ की तैयारी के बारे में? कि इनका पहला साल है आसिम भाई, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि सेल्फ फीडिंग पे 60 किलो के बच्चे लाके 135 125 145। इन्होंने एक सेटअप बनाया ना, मतलब मेरे को ऐसी फीडिंग चलानी है। आई थिंक यार घोड़ा जिला भी नहीं है, सुनना चाहिए थोड़ा अपने। आप तो डाइट प्लान शेयर करेंगे लोगों से, क्या फीड देना चाहिए लोगों को? हम तो चना खिलाते, मक्का, गेहूं, क्योंकि जजाए खैर के मामला होते हैं, जो सुनेगा वो यूज करेगा। आपको चना ज्यादा देते हैं हम, चने पे ज्यादा जोर है, चने पे ज्यादा जोर है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे सूखे में हम लोग सूखे में हरी पत्ती, हमारा गुड़ल होता है ना चारा, हरा चारा ज्यादा खिलाते हैं। अच्छा गुलेर, गुड़ल, हाँ गुलेर का जो पत्ता होता है, पत्ता होता। अच्छा अच्छा, वो ज्यादा खिलाते हैं, ये खिलाते हरी पत्ती और चने पे ज्यादा जोर, चने पे ज्यादा। हाँ रेगुलर आता। और आप लोग जैसे वैक्सीनेशन वगैरह पे जोर होता है? हाँ हाँ कराया था हमने। अच्छा, टीकाकरण वगैरह कराया था हमने, बरसात के टाइम में कराया। और जो बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे लिवर टॉनिक, वो सब देते हैं, वो देते हैं, वाइटामिन है, कैल्शियम है, ये देते हैं। सही, तो अभी गुलफाम में हम लोग ना एक ऐसे राउंड ले लेते हैं। आइए आप भी थोड़ा बताते रहो इनके बारे में, एक एक दिखा के आगे बढ़ते जाएंगे। जी भाई इसको थोड़ा घुमा, थोड़ा इधर ला, चला बकरे को, चला चला, ले ऊपर ले। इतने बड़े बकरे असीम भाई, लेकिन किसी के पैर में किसी के कोई पैर में तकलीफ नहीं है चलने नहीं। इन लोग का मेन में देख लिया एक बात, ये लोग फीडिंग बाहर कराते हैं, तो बकरे में एक्सरसाइज रहती है अंदर, बाहरी कोई जगह पे फीड नहीं देता। बाहर ही रहते हैं, जब गर्मी में ठंड हो जाता है बाहर छोड़ देते हैं सबको। लाओ सेकंड बकरा लाओ, अजमेरा नहीं है, पंजाबी, आपको हर कल नहीं 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 थोड़ा अंधेरा भी हो गया, और यकीन करें आप, गुलाम भाई नहीं मैं भी अजमेरा ही बोलता इसको, और सेम अजमेरा कलर, सेम अजमेरा ही बोला जाता है कान के हिसाब से। हाँ भले पंजाब क्रॉस हुआ होगा, लेकिन अजमेरा ही कलर, अजमेरा ही है। देखो ये एकदम रसगुल्ला करके वीडियो जो आते हैं बकरों के, ये रसगुल्ला है, इसको इधर से दिखा देता हूँ एक बार। हाँ वही गुलाब जामुन, सॉरी। वाह ये जो बनी है ना, ये बहुत प्यारी बनी है भाई, क्या बात है, नायाब। चल जान दो, लाओ भाई इसकी इसकी ना जैसे साइड्स वगैरह भी आ गई हैं। जी जी
छोटा है लेकिन प्यारी बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट बकरा ले, ये हाइट में बहुत बड़ा बकरा है, बड़ा बकरा है भाई। इधर ला ऊपर घुमा के ला, हाँ लाओ चलो, बस बकरा रोक दो बस। हाँ बताओ अभी क्या डिटेल, चलो ये 44 की यानी 43 हाइट रहेगी। नस्ल क्या होगी? है नस्ल सोजस मिक्स रहेगा शायद। सोजा अजमेरी। कौन से पट्टे से खरीदा था ये सोजा? वो सोजा तो और वो है अजमेरी मिक्स है। ये मिक्स है? हाँ। मैं बहुत ही एक उम्दा चीज है, और मैं मतलब बड़ी बात तो नहीं, हम भी घूमते। ये बकरा अजमेर से लाया था, अजमेर से लाया था है ना मुस्तकीम भाई। फ्रेम व्रेम देखो ना इसके, पैर मजबूत, पैर मजबूत, गर्दन ऊपर, कोई भी भराई वाला बकरा है मांग सकता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। चलो जान दो, शुक्रिया आपका बकरा दिखाने के लिए। ला अंडरटेकर, इसका सुल्तान नाम रखा, सुल्तान। इसका चेहरा अंडरटेकर जैसा है, एकदम डेंजर। ये भी होएगा 145 होएगा कि 140? आराम से, बहुत ही नायाब चीज है। चलो बहुत ही दिन से सीधा करो बकरे को, पालन में आया था समझ लो कि होता है ना, कहीं एक मान लेता है कि एक बढ़िया होता है, कि लग जाता है प्यार से पाला गया है, बता रहे हैं ये दिल को लग जाता है वो है। कलर इसका माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कलर है, बात भी बहुत मानता है ये माशाल्लाह। मतलब ऐसा घर में पालने के लिए बहुत अच्छी चीज है। पंजाबी है ना? हाँ पंजाबी है, सही। पंजाबी तो सभी हमारे यहाँ देखो याद आ जाते हैं। पंजाबी हमारे आगे सीधे होते हैं, हम गुजराती क्या करेंगे। ये देखो गुजराती आगे, देखो गुजराती आगे भाई। गुजरात की जो नस्ल है पतीरा, पतीला वो पतीरा कितनी खूबसूरत नस्ल है। उसमें लाएंगे भाई, दिलाव आएगा तो इनसे मंगवाएंगे दो चार बकरा इंशाल्लाह। सोजत लाओ भाई जान इसको। आपके यहाँ की ब्रीड कौन सी है महाराष्ट्र की, शोलापुर की? उस्मानाबादी और हॉन्टल। सही, उस्मानाबादी लेकिन इतना वजन नहीं ले पाएंगे, नहीं ले, नहीं, पर हॉन्टल मेंढे लेते हैं इंशाल्लाह। देखिए आप इसका सीना वगैरह जबरदस्त है, नीचे लग गया। ना ये चीज देखो आप, ये कहाँ छुपाए थे भाई, पहले भी नहीं देखे हम लोग ये देखे ना। देखिये इसके लिए बोलता हूँ हीरा छुपा हुआ था यहाँ पर। ये बकरा देखे थे आपने पहले? नहीं नहीं देखा नहीं। शायद आपको नहीं बेचना होगा, ये छुपा दिए होंगे, आ गया अचानक। बनावट देखे माशाल्लाह, वाह वाह बहुत नायाब चीज है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोगों को सिंगल मिल रहा है। हाँ इंशाल्लाह वो एक एक बकरा देंगे। ट्रांसपोर्ट के कैसा है आप थोड़ा मदद करना भाई, है ना? इंशाल्लाह बताएंगे। क्या ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट आप करते रहते हो, कलकत्ता से आप कहाँ कहाँ किए हो आपने? ये कलर मेरे को बहुत फेवरेट है भाई। जो व्हाइट स्पॉट्स आते हैं ना ब्लैक पे, ये उनमें का वो ही है, पांचवे का जो आपने खसी, प्योर खसी, प्योर खसी है ये। ये भाई की मेहनत है, मैंने तो बहुत छोटा दिया था बकरा, 60 केजी का या 55 केजी का था, 130 आज हाँ होगा भाई आराम से। माशाल्लाह ये देखो, ये कलर भी नहीं देखे यार, ये जो आपने उनको दिया था वो पंजाबी वाला वो क्या, बहुत अच्छे कलर का। चल भाई एक बार है ना आपका मैं नंबर ले लूंगा, और यहाँ का एड्रेस एक बार बराबर समझाना आप। जी भाई जान एक बार नंबर बोल दें। भाई का नंबर है 9368943024। यहाँ का प्रॉपर एक बार आप एड्रेस बताओ। प्रॉपर एड्रेस है ये मोहम्मद दिलशादीन का नाम है, मोहम्मद दिलशाद भाई, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी में जी। तो ये एड्रेस मंडी समिति के पास इनका गोदाम है, फार्म हाउस यहाँ पर मिल जाएगा। मंडी समिति किसी को पूछेंगे अमरोहा के तो ये गेट तक है। और हॉस्पिटल का नाम क्या है? गुलकल, गुलकल हॉस्पिटल के पास, गुलकल हॉस्पिटल के पास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम एक साथ आ जाए इंशाल्लाह वीडियो। आ जाओ उधर, आ जाओ भाई, आओ उस्मान भाई, आप सबका बहुत बहुत उस्मान भाई आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अरे आपका भाग याद रहेगी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे, बहुत भाइयों की बहुत मेहनत रही ना जो फार्म संभालते हैं। सही बात है, मेहनत तो उनकी, हमारा क्या मेहनत खिलाते हैं माशाल्लाह, इनकी बीमारी में साथ देते हैं माशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे बकरे अच्छे से अच्छे घर पे जाके कुर्बानी हो, अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।